जैन जी, जिस प्रकार से आप हमेशा हिंदुओं के लिए लड़ते रहे हैं, हमेशा संतों की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित और आप चुपचाप बैठे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ का जो झंडे वाला मंदिर है, इसकी भी जो मूर्ति थी उसके हाथ टूटे हुए थे, उसमें चांदी के हाथ लगाकर उस मूर्ति की पूजा की, इसका विधान है, मतलब ऐसा नहीं है। और जो भी मंदिर के आयोजक हैं, कर्ता धर्ता हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि उस मंदिर की मूर्ति में भी जहाँ भी खंडित है वो चांदी के हाथ लगा दिए जाएँ या पैर लगा दिए जाएँ, ताकि उसका जो वो अखंड बन जाएगी उससे। और उस मूर्ति की पूजा का विधान है, प्राचीन मूर्ति है, यहाँ भी झंडे वाला मंदिर में जो मूर्ति मिली थी वो जमीन के अंदर से मिली थी मूर्ति, और उसके जो हाथ थे वो खंडित थे, उसमें चांदी के हाथ लगाकर उसको पूजा योग्य बनाया गया। तो मेरा ये अनुरोध है मंदिर के कर्ता धर्ताओं से, तो वहाँ किसी को पूजा करने का अधिकार नहीं है, ना मंदिर का पुनर्निर्धार करने का अधिकार है, सबसे बड़ी बात है। देखिए दुष्ट अंग्रेजों ने जितने भी हमारे मंदिर थे और जहाँ पर तंत्र मंत्र की पूजा होती थी, उन स्थानों पर चाहे चौहट जोगनी के जितने मंदिर थे, उन सब मंदिरों को खंडित किया उन्होंने, अंग्रेजों ने, क्योंकि ईसा मसीह भगवान से नफरत करता है ये, और इसके हाथ पैर में कील ठोकने वाले यरूशलेम के महान राजा ने हेरोदेस ने उसके अंदर शैतान पाकर उसको मृत्युदंड दिया था। तो अंग्रेज तो उसी शैतान की पूजा करते हैं जिसके अंदर यरूशलेम के महान राजा ने शैतान पाया था, तो वो और शैतान हमेशा भगवान से नफरत करता है। इन्होंने जितने भी चौहट जोगनी के मंदिर हैं, अंग्रेजों ने सारे मंदिर तोड़ दिए। सूर्य भगवान का कोणार्क में सूर्य मंदिर है, उसको भी बंद कर दिया, उसकी मूर्तियों को उठाकर कोई दिल्ली ले आए, कोई इंग्लैंड ले गए। चुंबक की है मूर्ति थी, वो हवा में अधर में लटकी रहती थी, उस मूर्ति को भी उन्होंने खंडित किया। ये तो मुन्ना कुमार शर्मा जी और एपी सिंह जी वहाँ पर गए, और आज ये खुशी की बात है कि वो मंदिर पुनः बन रहा है, बन गया है। 27 तारीख को जो कोणार्क का सूर्य मंदिर का एक छोटा मंदिर भी उन्होंने बनाया, बड़ा मंदिर का निर्माण कार्य भी, उतना ही बड़ा मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। 27 जनवरी को उसका पूजा अर्चना का हमने दिन रखा है वहाँ मंदिर में। तो इन दुष्टों का, जिन्होंने भी ये सब कुकृत्य किए हैं, और जो ASI जो इन सब मंदिरों में कब्जा किक करे बैठी है, हमारी पूजा नहीं होने देती, इन्होंने भगवानों की मूर्ति, जैन भगवानों की मूर्ति, भगवान सूर्य देव की जो कोणार्क से मूर्ति है, वो भी यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। मैं सरकार से और खासतौर से मोदी जी से और जी किशन रेड्डी से अनुरोध करूँगा कि इन मूर्तियों को मंदिरों में भेजा जाए। पीछे ये मोदी सरकार ने निर्णय भी लिया था कि जो मूर्तियाँ ASI में रखी हैं उनको मंदिरों में भेज कर पूजा अर्चना की जाएगी, और ये जल्दी वक्त आएगा, और उसी वक्त का उदय है कि आपने ये बात उठाई है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि उन खंडित मूर्तियों का पुनरुद्धार किया जाए और उस पर संपूर्ण मूर्ति लगाई जाए, और वहाँ पर जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लग रहा है खंडित मूर्तियों के कारण, उसको दूर किया जाए। हिंदू बहुत इस पर इसके विरोध में हैं, बहुत दुखी हैं, नाराज हैं। तो हिंदुओं की भावना पर मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ठीक करे, उनकी भावनाओं को समझे, और वहाँ पर जो खंडित मूर्तियाँ हैं उसकी जगह पूर्ण रूप से मूर्तियाँ लगाया जाए और उसका पुनरुद्धार किया जाए। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के एरिया में भगवान विष्णु की मूर्ति जो है खंडित और कई बार सोचे हैं, राकेश दलाल जी इस पर प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू संगठन आखिर ध्यान क्यों नहीं दे पाते, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छा विषय उठाया इन्होंने, और आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा भवन, जो विश्व का ऐतिहासिक सबसे प्राचीन अखिल भारतीय हिंदू महासभा भवन है, और आदरणीय नेतृत्व में मुन्ना कौशिक जी के नेतृत्व में, मुन्ना जी शर्मा जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूरे देश में काम कर रही है। राकेश दलाल जी जो मूल निवासी हरियाणा के, इन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति, क्योंकि हमारी सनातन धर्म क्या कहती है, सनातन रीति रिवाज पद्धति संस्कृति क्या कहती है, खंडित मूर्ति की पूजा श्रेय कर नहीं होती है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही सभी की रक्षा करता है, धर्म एवं हतोतात धर्मो रक्षति। तो इस तरह से धर्म की जब हम व्याख्या करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो वह खंडित मूर्ति की नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो राकेश दलाल जी की मांग, और यहाँ मुन्ना जी की द्वारा, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा, और मुकेश जैन जी के द्वारा, हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना और महाराणा प्रताप सेना
के परमार साहब के द्वारा जिस तरह से ये मांग उठाई जा रही है, इसमें सभी संगठन सभी संस्थाएं लगातार अब आगे बढ़ रही हैं और खजुराहो का ये विष्णु जी का मूर्ति का जो खंडित मूर्ति का है वो ब्राह्मणों को पुजारियों को पुरोहितों को जो कर्मकांड के आधार पर पूरी सनातन धर्म की पूजा करते हैं उसके आधार पर उन्हें सौंप दी जाए और वहाँ पर पुनर्स्थापना जिसे रिनोवेशन भी कह सकते हैं और उसके आधार पर नई मूर्ति हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो विष्णु जी की, जिससे कि वहाँ सनातन धर्म की रक्षा का कार्य हो सके। सनातन धर्म है तो सब कुछ है, सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और उसमें विष्णु भगवान तो सबसे प्राचीन देवताओं में से हैं और सभी इसको जानते भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों की ये चर्चा, आकाश पाताल धरती लोक की चर्चा होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बात होती है। तो इसीलिए राकेश दलाल जी की जो मांग, धर्म रक्षक दारा सेना मुकेश जी द्वारा और महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह परमार जी के द्वारा और मुन्ना जी के द्वारा जो हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा ये पूरी होनी चाहिए। हम इनके सभी साथ हैं।